हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक भयंकर रोग के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है टाइफाइड। टाइफाइड की आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। यह रोग किस प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके लक्षण दिखाई देते हैं और किस तरह से आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ न करते हुए आज जानते हैं टाइफाइड के बारे में सब कुछ। दोस्तों, टाइफाइड जो रोग होता है इसे मोती जीरा बोला जाता है। मोती जीरे का मतलब होता है जिसमें लंबे समय तक बुखार बना रहे, उसे मोती जीरा बोला जाता है। इसके कुछ सामान्य से लक्षण होते हैं, जैसे कि इसमें लिवर पूरी तरह से बैठ जाता है, लिवर इसमें बहुत ही कम काम करता है, या फिर यूँ कहें कि यह अपना काम करना ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक बुखार हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, जिसको टाइफाइड रोग होता है उसे भूख भी बहुत ही कम लगती है और लगातार बुखार बना रहता है, बुखार उतरता चढ़ता रहता है, कभी कभी कम बुखार आता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जिनको टाइफाइड एक बार हो जाता है वो ज़िंदगी के अंदर कभी उभर नहीं पाते हैं। अक्सर देखा जाता है जिन बच्चों को बचपन में ही टाइफाइड हो जाता है उनकी कभी सेहत नहीं बन पाती है, साथ ही साथ उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो पूरी तरह से कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो बहुत से रोगों से लड़ नहीं पाते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी प्रकार से नहीं बन पाती है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, टाइफाइड में आपको क्या करना है। यह बात तो 100% ठीक है दोस्तों कि टाइफाइड के अंदर कभी भी एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल करने से बहुत सी बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं। अगर वो किसी एलोपैथिक दवा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी अगर तेज़ दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखी जाती है। साथ ही साथ उनका पैनक्रियाज भी पूरी तरह से काम नहीं करता है, पाचन सिस्टम के दौरान बहुत सारी दिक्कतों का सामना छोटी उम्र के बच्चों को करना पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों कभी भी एलोपैथी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों यह एक आंत जबर होता है जिसमें आंतों के अंदर सूजन आ जाती है और लिवर भी पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इसे ठीक करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक इसका आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ जो कि पूरी तरह से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप उसे किसी भी तरह से अपनाएं, टाइफाइड बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 3 से 5 दिन के अंदर टाइफाइड पूरी तरह से ठीक हो जाता है इस आयुर्वेदिक उपचार से। दोस्तों, मैं आपको पहला उपचार बताता हूँ। टाइफाइड में आंतों का जो जबर होता है, आंतों में सूजन आ जाती है और लिवर कमज़ोर होता है, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। टाइफाइड रोग को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आपको गिलोय घनवट्टी का इस्तेमाल करना है। जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 साल से 12 साल तक की उम्र है, उन्हें एक एक गोली खानी चाहिए, और जो बड़े बच्चे हैं या फिर कोई भी बड़ी उम्र का इंसान है उसे 2-2 गोली खानी चाहिए। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम। आपको इसमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी है। छोटे बच्चों के लिए 1-1 गोली और बड़े बच्चों के लिए 2-2 गोली। यह टाइफाइड के बुखार को पूरी तरह से उतारने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद दवा होती है। इसके अलावा दोस्तों, जिनको टाइफाइड में बहुत ही तेज़ बुखार चढ़ता है, वो गिलोय घनवट्टी के साथ साथ सुदर्शन चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सुदर्शन घनवट्टी मिल जाए तो भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। 1-1 गोली रोजाना खानी है आपको, 1 गिलोय घनवट्टी की और 1 सुदर्शन घनवट्टी की रोजाना सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम खानी है। इससे दोस्तों किसी भी प्रकार का टाइफाइड रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको 1-1 चम्मच ज्वरनाशक क्वाथ का इस्तेमाल करना है। आप इसे किसी पानी के अंदर उबाल कर काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यह था दोस्तों एक आयुर्वेदिक उपचार। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक घरेलू इलाज जो कि हर किसी के घर के अंदर अवेलेबल होता है, वो भी टाइफाइड रोग को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, यह 100% इलाज है जो कि गारंटी से कही जा सकता है कि इस 100% किसी भी प्रकार के टाइफाइड को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेने हैं 4 से 5 मनुक्खे लेने हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपको 8 से 10 अंजीर लेना है और 1 से 2 ग्राम आपको खूब कला लेना है। खूब कला एक छोटी सी जो राई होती है उसी की तरह का होता है। इसकी दोस्तों आपको चटनी बना लेनी है और सुबह शाम इसको खिला देना है। यह खाने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि जो मुनक्खा होता है वो मीठा होता है और अंजीर भी खाने में अच्छी होती है। यह था दोस्तों बड़े लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 4 से 5 मुनक्खा, 8 से 10 अंजीर और 1 से 2 ग्राम खूब कला। इसके अलावा अगर किसी छोटे बच्चे को टाइफाइड का रोग हो जाता है, तो जो बड़े बच्चों के लिए जो डोज बताई गई है उसकी आधी ले लें, यानी कि 1 से 2 मुनक्खे,
तीन से चार आपको अंजीर लेना है और एक ग्राम आपको खोखला। इसकी चटनी बनाकर बच्चों को खिला दें या किसी भी प्रकार के टाइफाइड रोग को पूरी तरह से ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही आपको गिलोय घनवट्टी का इस्तेमाल करना है और जवरनाशक कुआत का इस्तेमाल करना है। यह था दोस्तों इसका एक आयुर्वेदिक उपचार, साथ ही साथ एक घरेलू उपचार जिसे आप अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 दिनों के अंदर सभी प्रकार का टाइफाइड रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ परहेज करने चाहिए। जैसे कि परहेज करने का मतलब है कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर खानी चाहिए। इसमें दोस्तों आपको दूध का इस्तेमाल करना है। बकरी का दूध मिल जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों बकरी का दूध बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। भैंस के और गाय के दूध के अलावा टाइफाइड रोग में बकरी का दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आप चीकू का इस्तेमाल करें, सेब पपीता का इस्तेमाल करें, पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको मूँग की दाल का इस्तेमाल करना है। आप मूँग की दाल का पानी भी पी सकते हैं, यह भी सभी प्रकार के टाइफाइड रोग को दूर करने में आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेदा एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।